आपको। जी हाँ, मोदी को साल 2012 में गुजरात दिलाने वाले, फिर 2014 में वाराणसी दिलाने वाले प्रशांत किशोर महागठबंधन की सरकार बनवाकर इन दिनों यूपी में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रबंधन कर रहे हैं। दरअसल यूपी में चुनाव बेहद कठिन माना जा रहा है। सपा बसपा जैसी क्षेत्रीय छत्रपों के बीच कद्दावर बीजेपी का सामना कांग्रेस को करना है। ऐसे में कांग्रेस ने पारंपरिक चुनाव कैंपेन की जगह नए जमाने के राजनीतिक प्रबंधन या कहें कि राजनीतिक कोच प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बीजेपी के पास भी रजत शेट्टी के तौर पर एक राजनीतिक कोच है जिन्होंने असम को बीजेपी की झोली में डाला। अब ऐसे में यूपी में सत्ता वापसी की राह देख रही सपा भला पीछे कैसे रह सकती थी। सपा ने चुनाव कैंपेन के लिए जिस कोच की सेवाएं लेने का फैसला किया है वो कोई और नहीं बल्कि हिलेरी समेत कई डेमोक्रेट उम्मीदवारों के लिए अमेरिका में कैंपेन संभाल चुके स्टीव जार्डिंग है। सपा के आधिकारिक पॉलिटिकल कंसल्टेंट बने स्टीव जार्डिंग पहले भी विभिन्न मसलों पर जरूरी सलाह सपा सरकार को देते रहे। उन्होंने यूपी में लगातार दूसरी बार सपा की सरकार बनने का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने कहा कि सीएम अखिलेश यादव के पास युवाओं और गांव के लोगों के साथ संवाद करने का प्रभावी अंदाज है, लोग उन्हें विकास के लिए समर्पित शख्स के तौर पर देखते हैं और इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार भी किया है। स्टीव इस वक्त दुनिया के 15 देशों में अपनी कंपनी जेएसबी स्ट्रेटजीज इंटरनेशनल के जरिए कई नेताओं और कई पार्टियों के लिए चुनाव कैंपेन संभालते हैं। अब देखना है कि अपने घरेलू झगड़ों से उभरकर चुनाव मोड में जाने वाली सपा के लिए ये विदेशी राजनीतिक कोच कितना मददगार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।